यहाँ पे तेल में मैं डाल रही हूँ हींग चुटकी भर, फिर एक सूखी लाल मिर्ची, फिर इसमें डाल रही हूँ जीरा छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच, और ये है कांदा, दो तीन मीडियम साइज़ का कांदा कटा हुआ रफली। अब इसको मैं एकदम गोल्डन ब्राउन करूँगी। और यहाँ पे ये है टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी धनिया, इसका पेस्ट बना के इस जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा कांदा तो मैं उसमें अच्छे से डाल के भून लूँगी। अब इसमें मैंने डाला है दो चम्मच छोला मसाला, आधा चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, नमक तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड मिर्ची पाउडर डाला था मैंने इसमें, दो से तीन डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। एंड फिर इसको अच्छे से स्लो आँच पे मैंने 10 मिनट तक भुना था, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट भुना था, बार बार बीच में चलाया भी था। फिर जब ये भून गया था तो फिर जो छोला था वो ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ था। जब इसके भुनने के बाद जो है छोले का 80% जो है ये मैंने ऐसे ही खड़ा खड़ा छोला उसमें डाल दिया था, और 20% बचा लिया था उसको मैश करने के लिए, क्योंकि ग्रेवी जो है छोले की फिर उसी से जो थोड़ी थिक बनेगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। ये 80% छोला डाल दिया विथ वाटर, जो बॉयल वाटर था उसके साथ, एंड यहाँ पे जो 20% मतलब 20% क्या एक मुट्ठी भर छोला था उसको मैं हाथ से मैश करके उसके अंदर डाल दूँगी, मिला दूँगी एंड चला के इसको, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी स्प्रिंकल करूँगी और इसको ढक दूँगी 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे, और ये अच्छे से बॉयल होता रहेगा। वैसे तो ऑलरेडी पका हुआ है बट मसाले के साथ एकदम अच्छे से कोट हो जाएगा। ये थोड़ा सा पनीर मेरे फैमिली में पसंद है सबसे, इसी वजह से यहाँ पे मैं लास्ट स्टेप कर रही हूँ। तड़के में मैं दे रही हूँ लहसुन, जीरा, थोड़ी सी हींग, एक ग्रीन चिल्ली एंड पिंच ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, इसका मैं तड़का ऊपर से दे रही हूँ। इससे बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, मतलब आज का छोला एकदम अलग बना था, एकदम टेस्टी बना था। और इसके ऊपर एक अच्छा खासा हाथ भर के कटा हुआ धनिया, मतलब हैंडफुल धनिया कटा हुआ, उससे बहुत अच्छा गार्निशिंग भी हो जाता है और अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। सो बस रेडी है छोले की सब्ज़ी, और इसे खाया गया था गर्मा गर्म पूरी के साथ, और राइस था जिसको मैंने थोड़ा सा ऐसे गरम करके रख दिया था, जीरा राइस था उस पर धनिया वनिया डाल के गरम करके रख दिया था। तो ये स्पेशल डिनर था आज हम लोगों का, छोला तो बहुत ही यम बना था क्योंकि मैं खा के अभी ये वीडियो बना रही हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी भी बन जाता है, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती मेरे हिसाब से। सो मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।